फास्ट ड्राइविंग करते हैं लोग, इसके कारण बहुत सारी दुर्घटना जो है, एक्सीडेंट जो है, वो भी न्यूज पे आती रहती है। ये बिल्डिंग है एशिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल, और अभी फेज 3 मिलने वाला है आपको, मतलब दिघा से बहुत जल्द ओपन हो रहा है। कब ओपन हो रहा है वीडियो में बने रहे, हम आपको बताएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि बिहार में क्या है, देश और विदेश के डॉक्टर यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे आपको मेट्रो भी मिलने वाला है, सोचिए। मेट्रो का जो काम चल रहा है पटना में, उसके कारण रोड जो है वो बहुत अस्त व्यस्त है। गायघाट से लेकर के आपको ये कंगन घाट तक फेज 3 जो है वो जाने वाला है। और हम लोग मरीन ड्राइव पे अभी आए हैं, और हमारे राइट हैंड साइड में सभ्यता द्वार है, बापू सभ्यता दिख रहा है आपको, और सामने आपको दिख रहा है ये मरीन ड्राइव, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसके साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आपको पीएमसीएच जो हमारा बन रहा है हॉस्पिटल, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। मरीन ड्राइव को बिहार सरकार ने बहुत ही सोच समझ करके बनाया है, क्योंकि एक तरफ मेट्रो का जो काम चल रहा है पटना में, उसके कारण रोड जो है वो बहुत अस्त व्यस्त है, लेकिन उसी को देखते हुए मरीन ड्राइव का एकदम पटना के साइड से, गंगा किनारे से, इन लोगों ने जो गंगा पथ है उसका निर्माण कराया है, जिसे हम लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, उसको बहुत बेहतरीन स्वागत दिया गया है। तो इसके कारण पटना वासियों को ना जो ट्रैफिक का, जो हम लोग डेली ट्रैफिक जो झेलते थे ना, उसमें बहुत आराम मिला है। अगर आपको बाहर बाहर काम है तो आप आराम से इस गंगा पथ को से आते हैं, और जहां आपको जिस डेस्टिनी जानी होती है वहां चले जाते हैं। और अभी फेज 3 मिलने वाला है आपको, मतलब दिघा से आप डायरेक्ट कंगन घाट तक जाएंगे। पूरा 20 किलोमीटर का ये जो गंगा पथ है ना, वो ओवरऑल 20 किलोमीटर की होने वाली है। तो जब इंतजार है अभी दो फेज और ओपन होने वाले का, और बहुत जल्द ओपन हो रहा है। कब ओपन हो रहा है वीडियो में बने रहे, हम आपको बताएंगे। और बस इंतजार है दोनों फेजेस की ओपन होने का। और इधर देखिए आप, ये जो इतना बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं बनते हुए, ये बिल्डिंग है एशिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पे हेलीपैड भी होगा यहाँ पे। और ये हमारे बिहार को स्वागत मिली है। बहुत लोग बोलते हैं कि बिहार में क्या है, अरे बिहार में बहुत कुछ चेंजेस हो रही हैं, अभी और चेंजेस तो बाकी है, लेकिन रोड से बहुत राहत मिला है बिहार वासियों को। हर जगह हमारे जो सीएम नीतीश कुमार जी हैं माननीय, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कि बिहार को एक बहुत बेहतरीन रोड दिया है उन्होंने सौगात में, तोहफे में। और इसी के साथ देख सकते हैं आप, कितना बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच का रिनोवेट हो रहा है, एकदम नया हॉस्पिटल बन रहा है। उस पर हेलीपैड भी रहेगी, कि अगर किसी को अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ी तो वो भी रहेगी, मतलब देश और विदेश के डॉक्टर यहाँ पे रहेंगे। तो ये बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना हमेशा बाहर बाहर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव से ही, मतलब गंगा पथ से ही, आपको ये बेहतरीन हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, बनते हुए देखने को मिलेगा। और ये L&T के द्वारा बनाया जा रहा है, और 5,500 बेड होगा इसमें। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है ये, देख सकते हैं आप कितना विशाल हॉस्पिटल है ये। और यही नहीं, हेलीपैड तो रहेगा ही रहेगा, एयर एम्बुलेंस तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपको मेट्रो भी मिलने वाला है। सोचिए पीएमसीएच के अंदर मेट्रो मिलेगा, अद्भुत। मतलब ये सब चीजें हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, वो सब चीजें बिहार को मिल रही है। और देखिए कि कितना बेहतरीन नज़ारा आपको गंगा पथ से देखने को मिल रहा है। इस साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में गंगा जी हैं, गंडक नदी भी है, एकदम बेहतरीन नज़ारा मिल रहा है आपको। और इधर देखा जाए तो काली घाट है, जिसे हम लोग दरभंगा हाउस के नाम से भी जानते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप पटना की कौन सी जगह से हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज और है कि मरीन ड्राइव पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत ही सतर्क होकर के, बहुत ही ध्यान से ड्राइव करने की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली हम बिहार वासियों को ना इतना अच्छे रोड की आदत नहीं है, तो हर्ष ड्राइविंग करते हैं लोग, फास्ट ड्राइविंग करते हैं लोग, इसके कारण बहुत सारी दुर्घटना जो है, एक्सीडेंट जो है, वो भी न्यूज़ पे आती रहती है। तो प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके ज़रिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आराम से ड्राइव कीजिए। अब ये रोड हमारा है, गंगा पथ हमारा है, अब हम ही को ही यूज़ करना है ये, है ना। लेकिन जीवन पहले है, जीवन अच्छा रहेगा, जीवन बचा रहेगा तो बहुत गंगा पथ देखिएगा, नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से देखिएगा। अभी दो फेज तो और बाकी है देखना भी। और हम लोग अभी आ चुके हुए हैं फेज 3 पे। आप मेरे अपोजिट साइड देखिए, यहाँ पे बैरिगेटिंग की हुई है, स्टॉप लिखा गया है। फेज 3 जो है वहाँ पे भी काम लगभग इसका कंप्लीट हो चुका है। गायघाट से लेकर के, यहाँ पे भी हम लोग गायघाट के पास खड़े हैं, गायघाट से लेकर के आपको ये कंगन घाट तक फेज 3 जो है वो जाने वाला है। फेज 4 में भी जो काम जो है वो भी बहुत अपने जोर शोर पे काम चल रहा है। पहला फेज तो दिघा से आपको पीएमसीएच तक था, दूसरा फेज पीएमसीएच से लेकर के गायघाट तक, तीसरा फेज गायघाट से लेकर के कंगन घाट तक,
और लास्ट यानी कि चौथा फेज, ये लास्ट नहीं कह सकते हम क्योंकि उससे आगे भी जा सकता है तो, लेकिन चौथा फेज जो है वो होगा आपका कंगन घाट से लेकर के दीदारगंज तक, मतलब डी टू डी होने वाला है, दिघा टू दीदारगंज। आप सभी पटनावासी रेडी हो जाए क्योंकि जाम से लगभग हम सभी लोगों को राहत मिल चुका है और अब बारी है फेज थ्री और फेज फोर पे हम अपने गाड़ी को घुमाने का, तो जिसका काम जो है वो लगभग अब जो है कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्द ओपन होने वाला है। और चलिए इसी के साथ बिहार के नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यानी कि मेरे साथ यानी बिहारी मुस्कान के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो डू सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए अगर कैसा लगा है आपको वीडियो, और अपने फ्रेंड और सर्किल में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।